हेलो गाइस, दिस कार्तिकेय पांडे एंड यू आर वाचिंग नेविरा। गाइस, जैसे कि हम लोग कैपेसिटर का सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, जिसमें कि ऑलरेडी 5 लेक्चर्स आ चुके हैं और अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं इन डिटेल। मतलब ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर ये सीरीज होने के बाद अपन का जेई एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है ना, या जिसे कहते हैं अच्छे से अच्छे एग्जाम्स का क्वेश्चंस, आइदर नीट हो, जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, हमारी कॉपी के बाहर से ना आए। हाँ, मैं इतना बोलूँगा कि ये सीरीज आप करेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आई विल सजेस्ट कि आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, जो आप लोग को असाइनमेंट्स मिले या DPPs मिले, है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स, उन्हें जरूर किया करिए। ओके गाइज, बट आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे हमारे न्यू इरा के सुपर 100 बैच में ज्वाइन होना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस फॉर्म का लिंक ऐड कर दिया है, वहाँ से जा करके सुपर 100 बैच में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मतलब फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको कॉल आएगा। ओके, चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है ना। पहले मैं आज नो डाउट सिमेट्रिकल सर्किट्स के ऊपर काम कराने वाला हूँ आप लोगों को, लेकिन नोडल एनालिसिस करके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स को अपन लोग कैसे निपटाएंगे ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है ना। नोडल एनालिसिस और सिमेट्री का यूज़ करते हुए, ठीक है ना, वो कैसे अपन लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक करके मैं सारे केसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूँगा जो कि व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह दिख तो रहा होगा, होगा ही व्हीट स्टोन ब्रिज, लेकिन वो अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज वाला केस होगा। ओके, लाइक दिस, माना कि ये 2 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड और ये 3 माइक्रोफेराड। क्लियर है बेटा? ये आपका दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट है। इसका 2 है तो इसका 5, इसका 2 है यहाँ पे, फिर इसका 5 यहाँ है तो इसका यहाँ 5 है। मतलब जब बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होती थी तो हम लोगों को क्या मिलता था, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस नहीं आ रहा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये बैलेंस्ड वाला केस नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते 3 माइक्रोफेराड को, जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को सिखाया था। तो यहाँ पे अपन लोग कैसे मूव करेंगे, है ना, तो वो मैं आप लोग को पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, नोडल एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट। जैसे पूछा है कि ए और बी के अबाउट नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या आ रहा होगा, CAV की वैल्यू क्या आ रही होगी, ठीक है ना, यदि ये वैल्यूज हमको दी हुई है। तो मैं यार देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एक हिंट देना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे प्रॉपर सिमेट्री तो नहीं दिख रही, लेकिन एक बात दिख रहा है कि यदि इधर 2 है तो फिर इधर 2 है, यदि इधर 5 है तो इधर 5 है। मतलब जो पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेसिटर से डिस्ट्रीब्यूट होगा एक तरह से, है ना। तो मैं अपने मन से काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसके अबाउट एक बैटरी कनेक्ट करा लेता हूँ, लेट्स सपोज ऑफ 100 वोल्ट, ठीक है ना। 100 वोल्ट ही क्यों लिया तो ये मत सोचना, 100 वोल्ट मात्र इसलिए लिया क्योंकि 100 के केस में सॉल्व करना आसान होता है, लेने के लिए आप ले सकते हो 67, 68 ले लो, लेकिन फिर उसके से कॉम्प्लेक्स बनेंगी ना चीज़ें, इसीलिए अपने मन से ले लिया, ऐसा कोई यूज़ नहीं है बट ले लिया। चलो, यहाँ का मैंने पोटेंशियल मान लिया 100 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल मान लिया मैंने 0 वोल्ट। क्यों मान लिया? क्योंकि भैया ये 100 है तो मैंने पॉजिटिव टर्मिनल का 100 मान लिया और नेगेटिव टर्मिनल का 0 मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यदि मानता हूँ अपने मन से मैं मान रहा हूँ कि यहाँ का 100 है तो यहाँ का भी 100 हो जाएगा, और ड्यू टू दिस कैपेसिटर यहाँ का पोटेंशियल हो गया लेट सपोज 100 माइनस एक्स। क्लियर है? कितना पोटेंशियल हो गया बेटा? 100 माइनस एक्स। ग्रेट, तो मुझे समझ में आ गया कि भैया यहाँ पे 100 माइनस एक्स आ गया एक तरह से, यहाँ का 100 रहा होगा, यहाँ का 100 माइनस एक्स हो गया। अच्छा चलो, तो एक बात बताना, चलो ठीक है, यहाँ का 100 माइनस एक्स हो गया, यहाँ का मैंने अपने मन से मान लिया x हो गया, ठीक है ना, यहाँ कितना हो गया x हो गया। अब आप में से कुछ लोग क्वेश्चन रेज कर रहे होंगे मन ही मन कि सर आपने यहाँ का x क्यों मान लिया वोल्ट पोटेंशियल, यहाँ तो चलिए ठीक है आपने मान लिया कि यहाँ का 100 था तो यहाँ से 2 माइक्रोफेराड की वजह से कुछ कम हो गया होगा तो यहाँ का पोटेंशियल 100 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ का x कैसे मान लिया, है ना। आप कई बच्चों के मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा, तो देखो मैंने यहाँ का x इसलिए मान लिया बेटा क्योंकि ध्यान से देखो तो
इस कैपेसिटर के अबाउट जो पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए वही इस कैपेसिटर के अबाउट होना चाहिए, क्योंकि ये भी 2 माइक्रोफेराड ही है ना, और जो इस 5 माइक्रोफेराड के अक्रॉस कैपेस पोटेंशियल ड्रॉप आना चाहिए वही इस वाले 5 माइक्रोफेराड के पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए उसके अक्रॉस। तो हम देख सकते हैं कि इसके अक्रॉस ध्यान समझना 100 यहां का होगा, यहां का 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस x, दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 2 माइक्रोफेराड। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा ये ध्यान से देखो, तो x की ये x ही आएगा, तो मुझे पता चल गया कि भैया 2 माइक्रोफेराड के अक्रॉस कितना कैपेसिटेंस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है x वोल्ट। तो उसी तरह यहां भी मैंने मान लिया कि यहां का जीरो हो गया, तो यहां यदि x रहा होगा तभी भैया इसके अबाउट कितना आ पाएगा x माइनस जीरो दैट इज x वोल्ट। उसी तरह इस 5 माइक्रोफेराड के अक्रॉस पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 100 माइनस x, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, सो 100 माइनस x था, तो जो इसके अक्रॉस है वही इस वाले 5 माइक्रोफेराड के अक्रॉस होना चाहिए। तो ध्यान से देखो तो ये 100 माइनस x है और यहां का जीरो है, तो कितना ड्रॉप आ गया 100 माइनस x माइनस जीरो दैट इज 100 माइनस x। क्लियर है, मतलब मैंने सर्किट में जो ऑर्डर देखा सिमेट्रिसिटी को देख करके और चीजों को आगे बढ़ाया, नो डाउट यहां पे हमें कोई प्रॉपर सिमेट्री नहीं दिख रही, लेकिन ये दिख रहा है कि भैया इधर की ओर कैपेसिटर 2 माइक्रोफेराड था तो ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो भैया यदि इधर की ओर 2 माइक्रोफेराड होता तो इधर भी वही पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब ध्यान से देखो, चलो अपने मन से ये मेरे को एक नोट मिल गया, ध्यान से देखो तो एक नोड मिल गया कि नहीं मिल गया, नोड का मतलब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा रखा है, इसका चार्ज कंजर्व रहेगा, इनिशियली जीरो रहा होगा तो फाइनली भी जीरो रहा होगा। अब ध्यान सोचिए, यदि मानता हूं मैं यहां से चार्ज Q1 आया होगा इधर की ओर और इधर की ओर चार्ज Q2 आया होगा, क्लियर है बेटा, इधर की ओर चार्ज Q1 आया होगा और इधर की ओर चार्ज Q2 आया होगा, तो वो Q1 इधर की ओर बढ़ गया होगा, लेट सपोज Q3 एंड इधर की ओर बढ़ गया होगा Q4, क्या हो गया होगा ये Q4, बाय द वे इसे Q4 नहीं लिखना चाहिए था, सिंपल सी बात है कि यदि इधर से Q2 आ रहा है तो इधर से ऐसा Q2 चला जाएगा, इधर से ऐसा Q2 चला जाएगा, और इधर से Q1 आ रहा है तो इधर से Q1 ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना, ये Q3 और Q2 ऐड होकर के इधर Q1 बन जाएंगे, है ना, लेकिन फिर भी चलो मैंने अपने मन से लिख लिया Q4। अब ध्यान से देखो तो इस प्लेट में क्या दिख रहा होगा, माइनस का Q1 इस वाली प्लेट पे, प्लस का Q3 और इस वाली प्लेट पे प्लस का Q4, ठीक है ना, इस पे माइनस है Q4 दिख रहा होगा ना इस वाली प्लेट पे, तो इन प्लेट्स के चार्जेस को मैं कंजर्व करा देता हूं, तो क्या आया माइनस Q1 प्लस Q4 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस नोडल पॉइंट। इसके लिए जो नोडल एनालिसिस अपन करेंगे वो यही आएगा, माइनस Q1 प्लस Q4 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं, माइनस Q1 की वैल्यू लिखते हैं, तो माइनस साइन उसी तरह लिख लो, Q1 की वैल्यू कितनी आई होगी, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी आएगी, पोटेंशियल ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, क्योंकि हमें पता है ना कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, C इंटू V, वेयर C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसके चार्ज कितना निकाल आएगा 2 इंटू दिस पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है x, तो 2x। क्लियर है, आगे बढ़ो, इस पे कितना चार्ज आया होगा, तो इसके लिए भी बहुत आसान है, यहां का पोटेंशियल कितना मैंने माना 100 माइनस x, यहां कितना मैंने माना x, ठीक है ना, तो आप पोटेंशियल जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका बेटा, वो आ जाएगा 100 माइनस x माइनस x दैट इज 100 माइनस 2x, है ना, 100 माइनस 2x, तो जैसे उसको पुट करेंगे तो क्या आ गया, प्लस का 3 टाइम्स ऑफ 100 माइनस 2x, 3 इज द कैपेसिटेंस एंड इसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 100 माइनस 2x। अब इसके लिए लिखो तो प्लस का उसका कैपेसिटेंस 5, ठीक है ना, और इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा 100 माइनस x माइनस 0, 100 माइनस x इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा, ये इक्वेशन आई, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कराता हूँ, चलिए आगे बढ़ाता हूँ, माइनस का 2x माइनस का 6x एंड माइनस का 5x इज इक्वल टू ये वाला जो प्लस का 300 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये वाला तो माइनस का 800। क्लियर है, चलिए इसको उधर की ओर पूरा का पूरा आप लोग भेज दीजिए, तो आपको ये कितना दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा माइनस साइन कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ चुकी होगी आपकी 800/13। क्लियर है बेटा, एक बार आप लोगों को x की वैल्यू पता चल गई
तो आपको पता चल गया कि भैया यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा और यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा। तो जो आपने 100 माना था उसके अकॉर्डिंग आपका इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप आपको पता चल चुका है कि 100 माइनस इतना है ना। तो जब यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया तो आप चार्ज Q2 की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे है ना, और इसी तरह चार्ज Q1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब चलिए मैं एक काम करता हूँ बेटा, मैं इस पूरे के पूरे कैपेसिटर सीरीज जो पूरा अरेंजमेंट दिख रहा मेरे को इसको मैं हटा करके इसकी जगह में एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर का सर्किट बना लेता हूँ है ना। तो वो कैसा दिख रहा होगा मेरे को, वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि भैया यहाँ पे एक कैपेसिटर हो गया जिसका कितना है सी इक्विवेलेंट, और यहाँ एक बैटरी हो गई जिसकी पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 100 वोल्ट हो गया, और यहाँ से चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा क्यू। क्लियर है, जो चार्ज यहाँ से क्यू आया था वही चार्ज फिर से फ्लो कराना पड़ेगा। अब हमें पता है कि क्यू की वैल्यू कितनी होगी, क्यू वन प्लस क्यू टू होगी। तो यदि मैं यहाँ के लिए इक्वेशन लिखूँ तो क्या आ जाएगा, चार्ज क्यू इज इक्वल टू आना चाहिए सी इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज 100। तो इसको हम अगले मिनट में क्या लिख लेंगे, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वन प्लस क्यू टू इज इक्वल टू सी इफेक्टिव इंटू 100। क्लियर बेटा, यही हो जाएगी हमारी। अब मैं और आगे बढ़ूंगा तो अब Q1 की वैल्यू बहुत आसानी से लिखना हमको आता है, Q2 की वैल्यू बहुत आसानी से लिखना आता है। तो चलिए लिख डालते हैं है ना, Q1 Q2 की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। चलो ध्यान से देख लिखो, तो x की वैल्यू हमें यूज है इसलिए उसको नहीं मिटाया मैंने है ना, ध्यान से देखो। तो Q1 की वैल्यू कितनी आ रही होगी, Q1 की वैल्यू आपकी आ रही होगी x मतलब 800 बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई वहाँ का कैपेसिटेंस है ना। नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक तो है यार, चार्ज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटेंस दैट इज 2 प्लस इस तरह इसके अबाउट, तो इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है 100 माइनस एक्स है ना। तो 100 माइनस 800 बाई 13 इंटू उसका कैपेसिटेंस दैट इज 5 इज इक्वल टू सी इफेक्टिव इंटू 100। क्लियर है, ये आपका यहाँ से पूरा ये कैंसिल हो जाएगा और ये आप लोगों का एक तरह से आंसर आ चुका होगा, सी इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, अब आप इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको यहाँ से इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ मतलब जिसे कहते हैं कैपेसिटेंस आ जाएगा, इस पूरे के पूरे सर्किट का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बैलेंस ब्रिटिश टूमरी से केस तो था नहीं, बट इवन देन हमने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है ना। कैसे निकाल लिया, बहुत ही आसान तरीके से, हमने बस नोडल एनालिसिस और नोडल एनालिसिस के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल का ध्यान रखा कि मैं पोटेंशियल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, ठीक है ना। तो मैं देख रहा था कि ऊपर 2 है नीचे 5 है, इधर ऊपर 5 है तो इधर नीचे 2 है, तो जो चार्ज इधर से फ्लो किया होगा वो चार्ज इधर से लौटेगा और जो चार्ज इधर से फ्लो किया होगा वो इधर से लौटेगा। मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप आउट इसके दिखेगा वो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अबाउट दिखेगा, और जो पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट इसके दिखा होगा जो वो इसके दिखेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लिया और अपना आंसर आ गया। तो ये मैंने आप लोग को एक बेसिक सा क्वेश्चन नोडल एनालिसिस की मदद से सिखाया, लेकिन इसमें आप लोग देख रहे हो कि नोडल एनालिसिस में कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही हैं है ना। कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जा रही हैं, मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। भी आप लोगों को मल्टीपल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं फिर जाकर के आपका आंसर आता है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि देखो ये आप तभी कॉन्सेप्ट लगाओ जब आप लोग एकदम फंस जाओ, आपको ना कोई सिमेट्री दिख रही हो ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा हो, तब आप लोग इस मेथड पे मूव करो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप सिमेट्री वाले मेथड फाइंड करने की कोशिश करो। जैसे कि मैं आप लोग को दो तरह की सिमेट्रीज पढ़ाने वाला हूँ, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। क्लियर है, दो तरह की सिमेट्रीज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सर्किट्स में, ठीक है। तो मैं दोनों का आप लोगों को जिसे कहते हैं एक एक करके एग्जांपल दूंगा है ना, पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जब मैं बात करूंगा किसकी बेटा, पैरेलल सिमेट्री वाले केसेस का, ठीक है ना। तो इसमें मैं कुछ फिगर लेता हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों के सामने कुछ फिगर्स लेता हूँ, उससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा। ध्यान से देख सकते हैं, हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और ये सर्किट में मतलब ये जितने भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे हर जगह कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा,
एक एक कैपेसिटर दिखेगा हर जगह, ठीक है ना, लाइक दिस। ठीक है बेटा, अब पूछा जाए कि भैया यदि सबका कैपेसिटेंस सी है तो एबी के अबाउट नेट कैपेसिटेंस कितना आ रहा होगा। दिस इज द क्वेश्चन कि एबी के अबाउट नेट कैपेसिटेंस कितना आ रहा होगा, हमें ये पता करना है ना। तो देखो यार, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें करना क्या है, हमें बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें कुछ पैरेलल सिमेट्री पता करनी है कि भैया जो चार्ज फ्लो कर रहा है लाइक दिस, उसके पैरेलल सिमेट्री है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं, यदि हम एक ऐसी लाइन लेते तो हमें उसके ऊपर जैसा सर्किट दिख रहा है उसी तरह का नीचे सर्किट दिख रहा है, हाँ या ना, ऑब्वियस ही बात दिख रहा है। तो भैया जिस तरह का हमें ऊपर सर्किट दिख रहा है उसी तरह यदि नीचे दिख रहा है, तो उस केस में हम ये बात समझ में आ गया हमें कि इस सिमेट्री लाइन के अबाउट ऊपर जैसा जैसा है उसी तरह नीचे नीचे है। तो इसका मतलब जो यहाँ का पोटेंशियल होगा V1 है यदि यहाँ का, और यहाँ का V2 है, ठीक है बेटा, और यदि यहाँ का पोटेंशियल V3 है, यहाँ का पोटेंशियल V4 है, यहाँ का पोटेंशियल V5 है, और यहाँ का पोटेंशियल V6 है। तो भैया मैं सीधे बोल दूंगा कि भैया जैसा इसके नीचे उसी तरह उसके ऊपर है, जिसकी वजह से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि V1 विल बी इक्विवेलेंट टू द V2, V1 V2 इक्वल होंगे, V5 V6 इक्वल होंगे एंड V3 और V4 इक्वल होंगे, V3 एंड V4 इक्वल होंगे, क्लियर है। तो मुझे जब ये पता चल चुका है कि ये कुछ ऐसा होगा, ये मुझे पता चल गया कि ये कुछ ऐसा होगा, क्लियर है। तो अब इसके आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, है ना, कैसे आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, मेरे को आसानी से आती है, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक आती है, और इसके अलावा मैं अभी एक लोग आपको एक और बताऊंगा कि जैसे जैसे जाएगा वैसा वैसा आएगा, जो कि मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी वाले रेजिस्टेंस के जो डिफरेंट डिफरेंट सर्किट थे वहाँ मैंने पढ़ाया था। तो यहाँ पर देखिए, एक मेथड तो पॉइंट एनालिसिस वाला कहता है कि ये जो पॉइंट वन हो गया, पॉइंट टू हो गया, पॉइंट फाइव, पॉइंट सिक्स, और ये पॉइंट थ्री फोर, है ना। तो चलिए सबको एक साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहले एक पॉइंट ले लीजिए ए और एक ले लीजिए बी, ठीक है बेटा, आपने ए और बी पॉइंट्स अलग अलग कर लिए, ठीक है। चलो वन और टू का पोटेंशियल सेम होना मांगता, तो वन और टू को एक साथ लिख लीजिए, लिख लिया आपने। फाइव और सिक्स का पोटेंशियल सेम होना मांगता, तो फाइव और सिक्स को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है ना। और आपका थ्री और फोर का पोटेंशियल सेम होना मांगता, तो जिसे कहते हैं थ्री कॉमा फोर को भी एक साथ लिख लीजिए, ठीक है बेटा, आपने लिख लिया। अब चलिए ध्यान से देखिए, तो ए और वन के बीच में एक कैपेसिटर है, तो इसको बना लो, एक बना लिया तुमने। अब ए और टू के बीच में एक कैपेसिटर है, तो इसे ही बना लो, बना लिया तुमने। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, और इसको कौन सा नाम दोगे, इसको भी एक नाम दे दो, पॉइंट सेवन नाम दे दो, चलो ठीक है, पॉइंट सेवन रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, पॉइंट सेवन उसको रख लो, अपने मन से रख लो पॉइंट सेवन नाम, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वन और सेवन के बीच में कैपेसिटर्स मिल रहे हैं आपको, पॉइंट वन और सेवन के बीच में कैपेसिटर मिल गया, चलो इसको भी कट कर दो। पॉइंट टू और सेवन के बीच में कैपेसिटर मिल रहा है आपको, इसको ही बना लो ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये भी आपका हो गया पॉइंट टू और सेवन के बीच का। अब टू और सिक्स के बीच का भी एक कैपेसिटर आपको दिख रहा है, ये आपने बना लिया, और इसी तरह वन और फाइव के बीच में एक कैपेसिटर दिख रहा है, ये भी आपने बना लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेवन और थ्री के बीच में एक कैपेसिटर दिख रहा है, बना लो भैया। सेवन और फोर के बीच में एक कैपेसिटर दिख रहा है, बना लो भाई, रोका है क्या कोई। अब ध्यान से देखो, तो 5 और 3 के बीच में भी एक कैपेसिटर दिख रहा है, और तुम्हारा जिसे कहते हैं ये 6 और 4 के बीच में भी एक कैपेसिटर दिख रहा है, बना लो भाई, कोई रोका हो तो बता दो मेरे को, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ो, 3 और 4 के बीच में, सॉरी 3 और बी के बीच में एक कैपेसिटर दिख रहा है, 4 और बी के बीच में एक कैपेसिटर दिख रहा है। जिंदगी में दुखी क्यों रहना, यह तुमको मिल चुका है। चलो अब इसको, ये सर्किट जो बन चुका है इसको तुम सिंप्लीफाई करना सीख लो। और हमने क्या किया है, इस सर्किट को जो हमें इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा था, जिसमें कि पता नहीं चल रहा था कि कौन पैरेलल में होगा कौन सीरीज में होगा, उसमें हमने क्या किया, बस पहले तो एक पैरेलल एक्सिस फाइंड करी, है ना,
चार्ज के पैरेलल एक एक्सिस फाइंड करी, हमने देखा कि उसके ऊपर जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरह नीचे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वही यहाँ पे आएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, जो आएगा यही आएगा, क्यों, क्योंकि वो सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं बस। तो इनका सेम पोटेंशियल मान लिया, इनका इनका सेम मान लिया, इनका इनका सेम मान लिया बस, तो इनको अलग एक साथ रख लिया। उसके बाद क्या देखा कि इसके इसके बीच में कैपेसिटर तो लगा दिया, इसके इसके बीच में ऐसे सबके बीच में देख देख के लगा दिया, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ध्यान से देखो, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो यदि सबका कैपेसिटेंस सी सी था तो इसका और इसका क्या हो जाएगा, टू सी हो जाएगा, इसका इसका कितना हो जाएगा, टू सी हो जाएगा, इसका इसका कितना हो जाएगा, टू सी टू सी टू सी टू सी। चलो सबको बना लो, तो ए 1.2 के बीच में कैपेसिटेंस आ चुका होगा 2C, ठीक है ना। फिर एक 7 के बीच में और 1.2 के बीच में कैपेसिटेंस आ चुका होगा 2C, क्लियर है। फिर यहाँ तुम्हारा, अब आगे बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं, तो 7 और 3-4 के बीच में कैपेसिटेंस आ चुका होगा 2C, क्यों, समझ में आ रहा ना, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। उसी तरह आपका 1.2 और 5.6, 1.2 से भी एक पैरेलल में दो दो दिख रहे हैं ना, देखो ध्यान से, दोनों पैरेलल में हैं इनके बीच में, तो इनका भी 2C आ जाएगा। 5.6 और 3.4 के बीच में भी 2C आ गया, और यहाँ भी आपका 2C आ गया B के बीच में, क्लियर है। आप ध्यान से देखो, तो ये 2C आपके किस में है बेटा, ध्यान से देखो, 2C आपके किस में है, ये आपके 2C दोनों एक तरह से सीरीज में है, तो दोनों एड अप होकर के क्या बन जाएंगे, C बन जाएंगे, है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो, कैसे लिख सकते हो, A1, 2, 5, 6, 3, 4 और B। चलो इसके अबाउट 2C, इसके अबाउट 2C, इसके अबाउट 2C, इसके अबाउट 2C और इसके अबाउट अब मात्र बचा होगा C, क्योंकि ये दोनों सीरीज में होने की वजह से 1/2C + 1/2C जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C बन जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, तो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन अब जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो इसके पैरेलल में आ जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया आपका, एक तरह से 2C का बन जाएगा C, तो मैं इसको सीधे रिप्लेस करके लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे C, क्लियर है। और ये C पैरेलल बन करके क्या बन जाएंगे, 2C बन जाएंगे। तो हमको तीन कैपेसिटर सीरीज में मिल गए जिनका कैपेसिटेंस कितना है, 2C है, तो रिजल्टेंट आ गया CAB की वैल्यू आ चुकी है 2C/3, क्लियर हो गया गाइस। सो दिस विल बी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये हम लोगों ने किसकी मदद से किया बेटा, पैरेलल सिमेट्री की मदद से किया। पैरेलल सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए मैंने डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह पे असाइन किया, और भैया उसके बाद मैंने सर्किट्स को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब देखो मैं ये मल्टीपल स्टेप्स में क्यों करके दिखाया आप लोगों को, ये मत सोचिएगा कि भैया इस सर्किट को सॉल्व करने में इतने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, नो नॉट एट ऑल भैया। बात यह थी कि मुझे पहली बार आप लोगों को समझाना था, इसीलिए मैंने इतना जानबूझ के टाइम लिया, अदरवाइज इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप होता और इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप होता, ठीक है ना। आप भी जब नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू विल कम टू नो कि आप भी डायरेक्ट इसके बाद ये बनाएंगे और इसके बाद डायरेक्ट ये लिखा करेंगे, ओके। तो चलिए, ये मैंने आप लोग को सिखाया पैरेलल एक्सिस का यूज करते हुए। अभी जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं इसका मीनिंग क्या था, इसका आंसर याद रखिएगा 2C/3 है ना। चलिए इसी को मैं दूसरे मेथड सॉल्व करके दिखा रहा हूं, वो भी सिमेट्री का ही पार्ट है, लेकिन उसमें मैं ऐसे सर्किट को इस तरीके से सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, वहां पे मैं कुछ जंक्शंस को तोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ये सारे कैपेसिटर्स हो गए, ठीक है। अब ए और बी के अबाउट मैंने नेट कैपेसिटेंस पूछा है, ध्यान से देखो बेटा, तो क्या ये सर्किट सिमेट्रिकल दिख रहा है तुम्हें, ऑब्वियस सी बात है सिमेट्रिकल दिख रहा है, पूरा पूरा का पूरा सर्किट सिमेट्रिकल है। तो लॉजिकल, यदि मैं लॉजिकल तरीके से देखूं, तो यदि मैं एक बैटरी यहां कनेक्ट कराता बेटा, ठीक है ना, तो इस बैटरी को कनेक्ट कराने के बाद यदि यहां से चार्ज क्यू फ्लो करता, खुद से सोचिएगा, यदि बैटरी को कनेक्ट कराने के बाद यहाँ से चार्ज क्यू फ्लो करता, तो सर्टिकल जो तुम्हारा सर्किट है उसके सिमेट्रिकल होने की वजह से क्या मैं ये बात कह सकता था कि भैया जैसा जैसा, जिसे कहते हैं आपका करंट जाएगा, या जैसा जैसा चार्ज जाएगा वैसा वैसा आएगा,
कब? जब सिमेट्रिकल सर्किट होगा, ठीक है ना। यदि सिमेट्रिकल सर्किट ना होता तो मैं ऐसी बात नहीं बोलता। मैं ध्यान से देख पा रहा हूँ कि यदि सिमेट्रिकल सर्किट है तो जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा ही लौट के आएगा, है ना। तो भैया यदि यहाँ से चार्ज क्यू गया होगा और यहाँ से क्यू डैश गया होगा, तो तुम खुद से सोच के बताना बेटा, ये चार्ज क्यू जाने के बाद यहाँ टूट गया होगा क्यू वन और यहाँ क्यू टू के फॉर्म में, ठीक है। ठीक उसी तरह अब ध्यान सोचेगा, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से जैसा गया उसी तरह आना चाहिए। तो यदि यहाँ से Q गया तो यहाँ से Q ही लौट के आना चाहिए, और यदि यहाँ से Q डैश गया है तो इधर भी Q डैश ही लौट के आना चाहिए। अब चलो एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो चार्ज Q आकर के यहाँ बटा है Q1 और Q2 के फॉर्म में, यदि उस Q2 चार्ज का कुछ फ्रैक्शन यदि इस वाले आर्म में चला जाए या इस आर्म में चला जाए, तो क्या इधर Q2 आ पाएगा लौट के? नहीं आ पाएगा। क्यों लौट के इधर Q2 नहीं आ पाएगा? क्योंकि भैया उस Q2 का कुछ चार्ज तो यहां या कि यहां जा चुका है। उस केस में जब यहां पे Q2 चार्ज नहीं आएगा तो फिर से ये Q1 और ये वाला चार्ज ऐड होकर के Q नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि Q तो तभी बन पाता जब Q1 प्लस Q2 होता, तभी वो Q के बराबर होता। तो हम देख रहे हैं कि यदि कोई भी चार्ज जो कि यहां से आया होता उसका कोई भी फ्रैक्शन यदि इधर या कि इधर चला जाएगा तो इधर उतना ही चार्ज नहीं लौट पाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों का समेशन फिर से क्यों नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमारे जिसे कहते हैं पूरी थ्योरी फेल हो जाएगी। तो मुझे एक बात समझ में आ गया कि भैया यहां से जो चार्ज आया होगा ना वो डायरेक्टली ऐसे चला गया होगा, वो नीचे वाली आर्म में नहीं जाएगा। ठीक उसी तरह जो चार्ज यहां से आया होगा ना वो डायरेक्टली ऐसे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया उसको बाद में इस वाले चार्ज के साथ ऐड होकर के क्यू डैश बनाना है। क्लियर है? ठीक उसी तरह इधर से भी जो चार्ज आया वो डायरेक्ट ऐसे चला गया। तो हम देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट ये चार्ज ऐसे चला गया और डायरेक्ट ये चार्ज ऐसे चला गया, तो ई जिसे कहते हैं बीच में जंक्शन क्यों दिखाना? जंक्शन की फिर क्या जरूरत है? तो भैया वो जंक्शन दिखाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब उनके बीच में कोई चार्ज का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा तो जंक्शन में कोई रोल ही नहीं है वहां पे। तो जब जंक्शन में कोई रोल ही नहीं है तो मैं डायरेक्टली उस जंक्शन को ब्रेक करके कुछ ऐसा कर दूंगा, लाइक दिस। अब ध्यान से देखो, तो इस जंक्शन को मैंने ब्रेक करके ऐसा कर दिया। अब इसको मैं बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। इस सर्किट का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये दोनों आपके सीरीज में है, सी सी दोनों सीरीज में है। तो दोनों जब सीरीज में है बेटा तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा सी बाई टू। ये दोनों भी सीरीज में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी आ जाएगा सी बाई टू। तो इनको लिख लीजिए यहां पे सी बाई टू, सी बाई टू। ये वाले अभी भी सी सी ही रहेंगे, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। चलो उसी तरह ये दोनों ऐड हो जाएंगे सीरीज वाले, तो इनका हो जाएगा सी बाई टू और इनका हो जाएगा C बाई टू, और ये दोनों C C ही रहेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये दोनों आपके एक तरह से किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। तो जब ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इन दोनों को जोड़ करके हम इनकी जगह C लिख सकते थे, C C। तो इसका अब इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा? दिस विल लुक लाइक दिस। C C C C C C। अब ये तीनों सीरीज में है, हाँ या ना? है ना। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा C बाई थ्री, दिख रहा है इसमें, चलो इधर लिख देता हूं। इन तीनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा C बाई थ्री और इन तीनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा C बाई थ्री। और ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। तो जब दोनों पैरेलल में है तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे और दोनों ऐड होकर ये कितना दे देंगे आपको? रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा सी इफेक्टिव इज इक्वल टू आ जाएगा 2C बाई थ्री। क्लियर है? तो भैया चाहे तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करो, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लेके जाओ, ठीक है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में वहां चला गया, पैरेलल एक्सिस सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट ले लो, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कराओ, सर्किट को सिंप्लीफाई कराओ पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक की मदद से, या चाहो तो जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा, सिंपल सी बात है ना, उसका भी यूज कर लो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो जो तुमको अपने स्वाद अनुसार अच्छा लगे उस मेथड को उपयोग में लाओ और जिसे कहते हैं आंसर धड़ल्ले के साथ पाओ। ओके गाइस, अब अपन लोग थोड़ा और आगे वाले केसेस देखते हैं।
चलो थोड़ा ध्यान से देखते हैं बेटा, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को परपेंडिकुलर एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे कहते हैं नजराना, दिखाऊंगा, नजराना पेश करूंगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस वाले का। जैसा कि एक सर्किट है हमारे पास, ठीक है बेटा, ये बहुत कॉमन सा सर्किट होता है, सब जगह आप लोगों को मिल जाएगा, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। देखिए ये आप लोगों को सर्किट मिला हुआ है, ठीक है बेटा, इसको आप लोग को सॉल्व करना है ना। तो इसको मैं आप लोग को दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक तो मैं आप लोग को परपेंडिकुलर एक्सिस वाले कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, और एक अपना वही सिंपल सा तरीका, यदि सिमेट्रिकल सर्किट है तो क्या जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा, है ना, तो वो तरीका भी लगा लेंगे। बट चलो अभी 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 इसको यहीं पर छोड़ो, मैं पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को समझाता हूँ। जैसे मैंने लास्ट केस में लिया था, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री वाला केस समझाता हूँ मैं। जैसे लास्ट केस में हमने लिया था कुछ ऐसा, यदि याद हो तो, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ था बेटा कि हम लोगों ने पहले पैरेलल एक्सिस डाली थी, तो हमें ये वाला ऊपर का सर्किट नीचे वाले के सिमिलर दिख रहा था। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि तुम चार्ज के परपेंडिकुलर एक एक्सिस पुट करके देखो, तो चार्ज के जब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये बीचों बीच एक्सिस आ रही है। मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि इसके सिमेट्रिकल जिस तरह इधर का सर्किट है उसी तरह इधर का सर्किट है ना। तो भैया मुझे पता चल गया कि भैया वो एक्सिस कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल पॉइंट पे लाई कर रही है, और उस एक्सिस के अबाउट एक तरह से देखा जाए तो दोनों साइड का सर्किट सेम है। तो जब दोनों साइड का सर्किट सेम है तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि उस सर्किट में पाए जाने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि भैया ध्यान से देखो तो इससे जैसा डिस्ट्रीब्यूशन इधर की हो रहा है उसी तरह इस वाले पॉइंट से इधर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो भैया चाहिए पॉइंट लो, चाहिए पॉइंट लो, चाहिए पॉइंट लो, चाहिए पॉइंट लो, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यदि मैं ध्यान से देखूं तो मैंने उनको नाम दिया था 1 2, है ना, चलो 4 5 6 7 8। तो अब मैं इस बार ये नहीं कहूंगा कि V1 V2 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, आई डोंट नो, क्योंकि अब मैं परपेंडिकुलर की बातें कर रहा हूँ। 7 8 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे आई डोंट नो, लेकिन मैं इस बार आंख मूंद के कहूंगा कि भैया 4 6 और 5 इक्वल होंगे। V4 विल बी इक्विवेलेंट टू द V6 इक्वल्स टू द V5, क्लियर है। मतलब पैरेलल एक्सिस वाले मैंने क्या बोला था कि भैया यदि पैरेलल एक्सिस के अबाउट हम ऊपर वाले सर्किट को नीचे वाले सर्किट के ऊपर ओवरलैप कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस केस में इनके जो सिमेट्रिकल पॉइंट्स होंगे उन सब के पोटेंशियल सेम होंगे, ठीक है ना। अब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस वाले में क्या कह रहा हूं कि भैया यदि हमने एक ऐसी एक्सिस डाली जिसके कि इधर का सर्किट और इधर का सर्किट सिमिलर दिख रहा है, मतलब ये बीचों बीच पॉइंट लाई कर रहे हैं और इनके दोनों अबाउट दोनों तरफ हमारा सर्किट सिमिलर है, जिसे कहते हैं सिमेट्रिकल एक तरह से, उस केस में इस पॉइंट इस एक्सिस में पाए जाने वाले सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। ऑल पॉइंट्स विल हैव सेम पोटेंशियल। तो यदि सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा तो V4 V6 V5 इक्वल कर दिया। अब याद करो मैंने जंक्शन क्यों तोड़ दिया था, जंक्शन तोड़ने के पीछे कारण ये था ना, यदि मैं इसको अलग भी कर दूंगा और इसको अलग भी कर दूंगा ना, तब भी इसके पोटेंशियल में तो कोई चेंजेस आया नहीं। तो जंक्शन हम ब्रेक कर सकते थे यदि पोटेंशियल में कोई चेंजेस ना आए, मतलब उस जंक्शन को ब्रेक करने की वजह से यदि सर्किट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा तो उस जंक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब है ना। जंक्शन का सिग्निफिकेंस कब है, जब उस जंक्शन की कोई ना कोई वहां पे वैल्यू हो, मतलब जब उस जंक्शन की वजह से कोई रोल प्ले हो रहा हो। लेकिन हमने देखा कि ये तो सिमेट्रिकल पॉइंट पे लाई कर रहा जंक्शन, है ना, तो उसको यदि ब्रेक भी कर देंगे तो कोई भी चाहिए पॉइंट रही चाहिए पॉइंट रही उनके पोटेंशियल में चेंजेस आएंगे नहीं, और जब कोई पोटेंशियल में चेंजेस आएंगे नहीं तो जंक्शन दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए मैंने लास्ट केस में जंक्शन ब्रेक कर दिया था और आप लोगों को बोला था कि जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा। तो आप देख रहे हो कि मैं एक ही चीज को इधर से जस्टिफाई कर रहा हूं, इधर से जस्टिफाई कर रहा हूं, इधर से जस्टिफाई कर रहा हूं, ढेर सारी चीजों से भी जस्टिफाई किया जा सकता है सेम पॉइंट को। बस आपको समझना आना चाहिए अच्छे से इन डिटेल। ओके गाइस, चलिए ग्रेट। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया है ना कि ये होती है एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट, परपेंडिकुलर एक्सिस कॉन्सेप्ट। अब मैं इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा आपको वहां पे,
ठीक है, चलो देख लेते हैं यहाँ पे इसका एप्लीकेशन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। मैं यदि यहाँ पे एक ऐसी एक्सेस पुट कर दूँ, ठीक है, यदि मैं यहाँ पे एक ऐसी एक्सेस पुट कर दूँ तो मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ का और यहाँ का तीनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम आ जाएंगे। एम आई करेक्ट? यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल, तीनों पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या आ जाएंगे बेटा? सेम आ जाएंगे। और जब तीनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम आ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? चलो पहले तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक है ना, जो अपना मेथड होता है कि भैया पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक ये कहती है कि यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स असाइन कर दो और उसके बाद इस सर्किट को सिंप्लीफाई करो विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक। तो चलो मैंने अपने मन से नाम दे दिया, इसको वन दे दिया, इसको टू दे दिया, और यहाँ पे इसको हर पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि चलो हर पॉइंट को मैं मान लेता हूँ सी सी सी, क्योंकि सबका पोटेंशियल सेम है तो सी। इसको नाम दे दिया मैंने थ्री और इसको नाम दे दिया मैंने फोर। अब चलो पॉइंट्स लिख लो यहाँ पे ए एंड बी, इनके बीच में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वन है, टू है, और हमारे पास सी है, और हमारे पास थ्री है और फोर है। चलो लिखना स्टार्ट करो। वन और टू के बीच में, वन और ए के बीच में लगा दो भैया, वन और सी के बीच में लगा दो, वन और सी के बीच में लगा दो, ठीक है ना। ध्यान से देखो तो ए और सी के बीच में लगा दो, ए और टू के बीच में लगा दो, और टू और सी के बीच में लगा दो। लगा दिया तुमने, फिर उसी तरह टू और सी के बीच में लगा दो। क्लियर है? अब ठीक इसी तरह इधर का भी होगा, क्योंकि जब ये पैरेलल एक्सिस ली हुई, सॉरी परपेंडिकुलर ली है, तो जैसा इधर का वैसे इधर का भी आएगा। तो मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ, आप चाहो तो चेक भी कर लो यार। ये देखो ना कि सी और थ्री के बीच में दो कैपेसिटर्स आ रहे हैं, तो बना लो। उसी तरह सी और फोर के बीच में भी, और एक, और एक। अब चलो ये दोनों आपके किस में है बेटा? ध्यान से देखो, ये दोनों आपके पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 2c आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल में है तो इनका दोनों क्या आ जाएगा? 2c आ जाएगा, है ना। ये दोनों पैरेलल में है तो इनका 2c आ जाएगा, इनका भी 2c आ जाएगा। क्लियर है? गुड। चलो आप ध्यान से देखो तो ये 2c और ये c किस में हो गए आपके? ये दोनों सीरीज में हो गए। तो जब ये 2c और ये c दोनों सीरीज में हो गए तो 1/c + 1/2c जोड़ लो तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2c/3 आ जाएगा सीधे सीधे, आ गया यहाँ से। तो अब इस पूरे की जगह में आप इसको रिप्लेस करके लिख सकते थे 2c/3, इस पूरे को रिप्लेस करके लिख सकते थे 2c/3। उसी तरह इधर भी पूरे को रिप्लेस करके लिख सकते थे 2c/3। एक ही में सब सॉल्व कर दिया अब, ठीक है ना, मैंने दूसरा सर्किट नहीं बनाया। 2c/3। अब ध्यान से देखो तो ये और ये तीनों किस में है? पैरेलल में है। तो जब तीनों पैरेलल में बेटा तो 2c/3 + 2c/3 + c, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 4c/3 + c, दैट इज व्हाट? 7c/3। आपको पता चला कि इसकी वैल्यू कितनी आई? 7c/3। इसकी वैल्यू कितनी आई? 7c/3। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो जैसे ही दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो रिजल्टेंट आ गया आपका 1/c effective = 3/7c + 3/7c। क्लियर है? लाइक दिस, इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 6/7c, दैट इज 1/c effective। उल्टा करते ही आपको ये कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा c effective की वैल्यू आ चुकी होगी आपकी 7c/6। This is the effective capacitance of this circuit. अब ध्यान से देखिए, तो आपको इस सर्किट के बारे में ये नहीं पता था कि भैया कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है, लेकिन आप लोगों ने आसानी से पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज करते हुए, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से आप लोगों ने आंसर निकाल लिया। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका भी था। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा, है ना। तो जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया अभी सर्किट को सिंप्लीफाई करके, है ना, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक का यूज करते हुए और जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करते हुए। चेक करते हैं कि इसका आंसर वही आता है कि नहीं आता। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को मिलेंगी जिनमें बहुत सारे रूल्स यूज होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही बस रूल्स यूज होंगे, ठीक है ना।
कई बार आपको सर्किट्स में ये इन दो की बजाय एक ही कैपेसिटर दिखेगा, फिर यहाँ पे भी एक ही कैपेसिटर दिखेगा, फिर आप सोचेंगे भाई यहाँ पे कैसे हम परपेंडिकुलर सिमेट्री डालें, पैरेलल तो चलो डाल देंगे, पैरेलल तो आसान डाल दिया, परपेंडिकुलर की बात है कैसे डालेंगे। तो फिर टेंशन मत लीजिएगा, वो जो यदि मान लीजिए यहाँ पे सी होगा ना तो उसको टू सी में ब्रेक कर लीजिएगा, ये वाला नीचे वाले सी को भी टू सी में ब्रेक कर लीजिएगा, उसके बाद तो सिमेट्री दिखने लगी ना, हो गया। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, एक बार जब आप लोग को ना प्रैक्टिस आ जाएगी अच्छी खासी तो आप लोग कुछ भी करोगे, ठीक है ना। चलो तो जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यदि इधर की ओर Q1 गया, इधर की ओर Q2 गया और इधर की ओर Q3 गया, है ना, तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि भैया जैसे जैसे गया था वैसे वैसे लौटाना है हमको, है ना। तो मुझे पता चल गया यदि Q1 चार्ज है, कुछ चार्ज इधर की ओर आया तो उसको इधर की ओर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट वो चार्ज ऐसे जाएगा, क्योंकि यदि उसका कुछ फ्रैक्शन यहाँ चला जाएगा तो उतना ही वापस नहीं लौट पाएगा, जिससे कि वैसे फिर से Q1 आ पाए। ठीक उस तरह जो चार्ज यहाँ से आया होगा वो डायरेक्ट ऐसे जाएगा, मतलब इस वाले आर्म से उस वाली आर्म में नहीं जाएगा या ऊपर के आर्म में नहीं जाएगा। उसी तरह जो चार्ज यहाँ से आया होगा वो डायरेक्ट ऐसा जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आ गया कि भैया ये जो जंक्शन दिखाया गया है ना, ये हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दिखाया गया है। तो जंक्शन को उखाड़ फेंको, और जैसे ही तुमने जंक्शन को उखाड़ फेंका, देखो खतरनाक तरीके से क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब तुम्हें पता चल रहा है कि ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में हैं, तो सी बाई टू। ये दोनों किसमें हैं आपके, सीरीज में हैं, तो सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू, सी 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 सी, तो कितना हो गया सी बाई थ्री हो गया। फिर इसी तरह ये भी हो जाएगा सी सी सी, तो सी बाई थ्री हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो ये कितना जाएगा सी सी का सी बाई टू हो जाएगा। तो आपके तीन सर्किट ऐसे दिखने लगे, C by 3, C by 2, C by 3, क्लियर बेटा। इन तीनों को जोड़िए तो 3 by C प्लस 2 by C प्लस 3 by C, क्लियर है। तो आपको ये कितना दिख रहा होगा, ये आप लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक, ऐड करने पे आई थिंक हमारा आंसर गलत आ रहा है यार यहाँ, तो क्यों गलत आ रहा है, चलो फिर से देख लेते हैं एक बार, हमने कुछ गलत तो नहीं ले लेते वहाँ पे, चलो देख लेते हैं। ये हमारा कैपेसिटेंस सी सी था, तो सी का सी बाई टू हो गया, और ये सी सी का सी बाई टू हो गया, तो सी बाई टू सी हो गया, ये सी और ये सी, तो ये तीनों सीरीज में हो गए, तो सी बाई थ्री हो गए। जैसा ऊपर सी बाई थ्री आया उस तरह नीचे भी सी बाई थ्री आ गया, है ना। और ये वाला सी दोनों सीरीज में होने की वजह से ये आपके कितने ऐड होकर के हो गए, ये आपके हो गए C प्लस सी, दैट इज सी बाई टू, ठीक है ना। अब ये आपके तीनों किसमें हैं, अरे यार सही तो है, तीनों पैरेलल में ना यार, तीनों पैरेलल में ना यार, हम उस सीरीज में क्यों लेके चल रहे हैं, सॉरी। तो जो तीनों पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड कर दो, C बाई टू प्लस सी बाई थ्री प्लस सी बाई थ्री, जब एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा, है ना। ऊपर कितना आ गया, थ्री प्लस टू इंटू सी, दौड़ के आंसर आ रहा तुम्हारा 7C बाई सिक्स। ऐसे कैसे आंसर गलत आ जाएगा भाई, ऐसे कैसे, क्लियर है। तो आप देख सकते हो कि जो कठिन सा सर्किट था, चाहे उसको जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा से निपटाओ, और चाहे चाहो तो भैया सीधे सीधे क्या कर लो, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस को कॉन्सेप्ट लगा दो। नोडल एनालिसिस से भी इनको हम कर सकते थे, नोडल एनालिसिस से कैसे कर सकते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को, भैया अपने मन से एक 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करा लो यहां से, ठीक है ना। अब 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कराने के बाद अपने मन से पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन करा दो यहाँ पे हर जगह, यहाँ का x मान लो तो यहाँ का 100 माइनस x, या इनका x x मान लो सिमेट्रिकल होने की वजह से, और आगे इसी तरह बढ़ जाओ। उसके बाद क्या करो, कोई भी एक नोडल ऐसे ले लो, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की एक बार वैल्यू आ गई तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज निकाल लो, Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज आ गई तो उसके बाद भैया सीधे सीधे तुम जिसे कहते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, और वहाँ पे C इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या लिख दो, तुम्हारा QI भी आंसर आ गया एक तरह से। सो इन दिस मैनर यू कैन सॉल्व दिस दीज प्रॉब्लम्स। आप देख रहे होगे, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार हम जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सच में फिर ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स, अच्छे वेरिएशंस को डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स, डिफरेंट डिफरेंट मैथड से सीखें। ऐसा ना हो कि आपको एनिमेटेड वीडियो से ऐसे दिखा दिया कि देखो बजूका उड़ता हुआ जा रहा है, हो गया आपका AT क्वालिफाइड।
फिर एक्चुअल में आपको बजूका महसूस होना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। बजूका मेरा कहने का मतलब कि फिर एक्चुअल में वहाँ पे कॉन्सेप्ट होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, अब बच्चों के अंदर क्या होता है कि बच्चे बहुत ही बेचारे, शुरुआत में मैं सीधे सीधे बोलूँ तो मैं थोड़ा बेवकूफ़ मानता हूँ कई बार, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चों को जज करना भी नहीं आता शुरुआत में, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी भी क्या गलती कि भैया कौन सा कंटेंट अच्छा कौन सा कंटेंट ख़राब है। और जब IIT क्वालिफाई नहीं होती और वो 2-3 साल बाद जाकर के रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा यार इस वजह से मेरा IIT में नहीं हो पाया, इस वजह से मैं मेडिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है ना। तो भैया देर जाकर रियलाइज़ होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि पहले ही रियलाइज़ करिए। अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट मैं दे रहा हूँ उसके बावजूद कोई नहीं देखेगा, क्यों? क्योंकि इसमें मात्र IIT JEE लिखा होगा। अभी मैं यहीं पर लिख दूँ CBSE बोर्ड, देखो फिर धड़ल्ले के साथ लोग देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो मैं आपको 2-3 सर्किट देके जा रहा हूं एक तरह से। ठीक है बेटा, आप लोग का ये एक तरह से सर्किट दिया हुआ है। हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C है। अब आपसे बोले कि भैया इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो चाहे तो आप ये वाला डाल लें। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये बीच में कैपेसिटर आ जाएगा, तो इसको सी को तोड़ लीजिएगा 2C 2C में, इधर इसको भी तोड़ लीजिएगा 2C 2C में, और इसके बाद आपका परपेंडिकुलर भी डल जाएगा। चाहे तो ये वाला भी आपका डल जाएगा, ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस वाला भी डल जाएगा, ठीक है ना, लाइक दिस। क्लियर है? सर्किट सिमेट्रिकल है, तो जिसे कहते हैं जंक्शन तोड़ दो, बात सॉरी जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करा लो, ये 1 और 2 सेम हो जाएंगे, इसी तरह 3 और 4 सेम हो जाएंगे, ठीक है ना, 5 और 6 सेम हो जाएंगे, और उसके बाद सबको एक तरह से जिसे कहते हैं असाइन करना स्टार्ट कर दीजिए एक एक करके, एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस तरीके से इस सर्किट को सॉल्व करिएगा। ये आप लोग के लिए एज ए होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, एक और एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। AB के बोर्ड नेट कैपेसिटेंस स्केट में पूछा है, ठीक है ना, तो फिर वही। अब यहाँ पे यदि आप पैरेलल एक्सिस डालने जाएंगे ना, तो यहाँ पे वो वैलिड नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस अभी भी वैलिड करा सकते हैं इस सी वाले को तोड़ करके 2C 2C में, लेकिन वो भी नहीं बोलूँगा। यहाँ पे आप लोग सीधा सा मेथड यूज़ कर लीजिएगा, सिमेट्रिकल वाला मेथड, कि भैया जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा, तो जब जैसा जैसा जाएगा वैसा वैसा आएगा, तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि ये वाला जंक्शन कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, उसको हटा दो, तो वो तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, फिर उन तीनों का सीरीज में आ जाएगा रिजल्टेंट, फिर जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो इसके पैरेलल में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का वो प्रॉब्लम आसानी से खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया गाइस? तो ये मैंने आप लोगों को बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, मैंने आप लोगों को समझा दिया। आज के लेक्चर में तो मैं यही टॉपिक्स बस कवर करूंगा, ठीक है ना। सिमेट्रिकल वाले केसेस काफ़ी हो गए हैं, एंड आई होप सो कि आप लोगों को और भी बुक्स में एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उन एग्जांपल्स को करिएगा, ठीक है ना। मेनली आप लोग SC वर्मा करिएगा, क्योंकि SC वर्मा में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, और वो अब आपको मज़ा आएगा उनको सॉल्व करने में, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी टेक्निक्स पता चल चुकी हैं। एक तो नोडल एनालिसिस पता चल चुकी है, एक पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक पता चल चुकी है, ठीक है ना, फिर आपका एक एक सिमेट्री वाला केसेस पता चल चुका है, परपेंडिकुलर हो चाहे पैरेलल हो, फिर एक आपका जैसे जैसे जाएगा वैसा वैसा आएगा पता चल चुका है, फिर आप लोग को इनफाइनाइट लैडर सॉल्व करना आ चुका है, फिर आपको उसके अलावा इनफाइनाइट लैडर के अलावा आप लोग को अब वो भी आ चुका है कि
कि यदि मान लो कोई ऐसी आर्म है जिसमें कि चार्ज या करंट नहीं जा रहा, तो उस आर्म को हम हटाना जानते हैं कि उसका कोई रोल नहीं होगा सर्किट में, है ना। तो वो भी अपन लोगों से आ चुका है। तो इस तरह के जब वेरिएशंस हम लोग सीख चुके हैं तो नो डाउट आप क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। सो आई विल सजेस्ट कि अब आप लोग एच सी वर्मा या बी एम शर्मा बुक या फिजिक्स गैलेक्सी जैसी बुक्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो मेरे को समझ में आ गया। अब बात आती है कि हम लोग अगली क्लास में क्या करेंगे। तो मैं आप लोग को पहले दे देता हूँ कि अगली क्लास में हम लोग जैसे एक क्यूब शेप दिया हुआ है, ठीक है ना, क्यूब शेप दिया हुआ है, बहुत सारे कैपेसिटर्स ऐसे हर इसके जिसे कहते हैं एजेस में ऐसे हमने लगा रखे हैं, मतलब सॉरी एजेस में क्या बोल रहा हूँ मैं से, अरे हर इसके जिसे कहते हैं जो साइड है, हर साइड में हमने लगा रखे हैं ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। हर आपको साइड पे एक एक कैपेसिटर अरेंज है। आप पूछेगा कि भैया इसका नेट कैपेसिटेंस अबाउट दीज टू डायगोनल पॉइंट्स और फेस डायगोनल पॉइंट्स के अबाउट कितना होगा। अब वहाँ पे आप लोग यदि सिमेट्री वाला मेथड यूज़ करेंगे तो नो डाउट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर अब इतने सारे कैपेसिटर्स हो गए और उसमें आप लोग सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो इट्स क्वाइट लॉजिकल कि आप फंस जाएंगे, बहुत सारा जिसे कहते हैं सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग नोडल एनालिसिस की मदद से ही आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। और नोडल एनालिसिस कहीं से नहीं आया भाई, वो एक तरह से किरचॉप लॉ का ही पार्ट है, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक या ड्रॉप एंड गेन का ही पार्ट है, बस उसको मैंने वो नाम दे दिया है क्योंकि मैंने भी कई बुक्स में पढ़ा है और ऐसा टीचर्स भी बोलते हैं और ऐसा होता है कि हम लोग उसको नोडल एनालिसिस का नाम दे देते हैं। अदरवाइज मैं यदि फैक्ट वाइज बात करूं तो इट्स क्वाइट सिंपल कि वो किरचॉप लॉ का ही पार्ट है, उसमें कुछ अलग से डिफरेंट नहीं है। Got it guys? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग वो सीखेंगे कि जो कैपेसिटर है उसके यदि अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाला जाए तो डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक से अरेंजमेंट की वजह से नेट कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है गाइस। तो ये अपना लोगों का होगा और जब वो कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग जंप करेंगे दोबारा जिसे कहते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड हीट प्रोड्यूस्ड एंड ब्ला ब्ला। फिर उसमें हम लोग आगे चल करके ऑसिलेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इनसाइड अ कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें भी हैं, अभी तो बहुत सारे लेक्चर्स आने बाकी हैं। होप सो आप लोग को इस लेक्चर मज़ा आया होगा, तो लेक्चर को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, है ना। और लास्ट में फिर से एक बार बता दूं कि भैया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुपर 100 बैच का फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है ना, उस फॉर्म को जाके फिल करिए और आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें कि हम लोग प्रॉपर लाइव क्लासेस, डाउट सॉल्विंग, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड कराई जाती है, वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, AITS, ओपन क्विज, है ना, प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग, हर चीज़ उसमें कराई जाती है। ओके गाइज, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।